बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने कुछ जो है जुर्मानों में इजाफा कर दिया है। तो जो नए रूल्स के मुताबिक है जो जुर्माना होगा और ज़ाब्तों पे लगेगा, ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ज़ाब्ता B20 यानी कि ये कहलाता है तेज़ रफ्तारी। तो इसमें जो है मोटरसाइकिल के ऊपर जो जुर्माना रखा गया है वो 1500 रुपये रखा गया है, कार के ऊपर 2500 रुपये रखा गया है, और PSV के ऊपर 10000 रुपये रखा गया है, और HTV के ऊपर 5000 रुपये जुर्माना रखा गया है। ठीक है, ये वो नए कवानीन है कि जो नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के ऊपर अप्लाई होंगे। और इसके बाद ज़ाब्ता B21 में जो आ जाती है पब्लिक सर्विस गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा सवारियाँ बिठाना, इसके ऊपर भी जो नया जुर्माना है वो 5000 रुपये है। और ज़ाब्ता नंबर B43 में हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना 1000 रुपये इसके ऊपर जुर्माना होगा। और ज़ाब्ता B50 में तो यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने के ऊपर अगर आप मोटरसाइकिल या कार या LTV आपके पास है तो 5000 रुपये आपको जुर्माना होगा, और PSV HTV के ऊपर आपको 10000 रुपये जुर्माना होगा अगर आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे होंगे तो। और ज़ाब्ता नंबर B56 में जो है लेन का गैरमुनासिब इस्तेमाल के अगर आप लेन के अपोजिट चलते हो तो फिर उसके ऊपर आप अगर मोटरसाइकिल पे हो या कार पे हो या LTV के ऊपर हो तो 1000 रुपये जुर्माना होगा, और अगर आप PSV या HTV के ऊपर हो तो 5000 रुपये इसका आपको जुर्माना होगा। और ज़ाब्ता नंबर B61 अलिफ यानी कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, कि अगर ड्राइविंग दौरान आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो मोटरसाइकिल पे हो तो 500 रुपये जुर्माना, कार LTV के ऊपर 2000 रुपये जुर्माना होगा, और PSV और HTV के ऊपर 5000 रुपये जुर्माना होगा। और ज़ाब्ता नंबर B61 बे में यानी कि सेफ्टी बेल्ट्स के बगैर ड्राइविंग सफ़र करना, यानी कि आप अपने बेल्ट नहीं लगाई होगी तो उसके ऊपर अगर कार पे हो तो और LTV के ऊपर हो तो 1500 रुपये जुर्माना, और अगर PSV और HTV है आपके पास तो 3000 रुपया जुर्माना आपको होगा। तो ये नई अपडेट आई थी जो नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से आई हैं। इसको आप ज़रूर अपने माइंड में रखें ताकि आप जो दिक्कत है मुश्किलें जुर्माने से बचा जा सके। तो कानून की पासदारी कीजिए, ये हम सब का फ़र्ज़ है, तो उस पर इम्प्लीमेंट करने में किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, उम्मीद कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।